सो गाइस दिस इज डे टू। अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने। ये है हमारा आउटफिट। दिस इज द व्यू और टेम्परेचर। फॉगी फॉगी हमारे रूम से गाइस। हम रेडी होके गए भागीरथी रिवर, जो हमें क्रॉस करके और घूमना था। तो ये है भागीरथी रिवर। इस बोट में हम लोग भी मतलब उस पार गए थे। सो दिस इज़ द बोट जहाँ मतलब इसमें सारे मतलब व्हीकल्स भी आते हैं, इंसान भी आते हैं। जो हॉकर्स होते हैं वो भी इसी में जाके उस साइड जाके सब बेचते, और हम भी इसी साइड से गए थे। क्यूट बेबी। तो हम रिवर क्रॉस करके खड़े थे, मतलब थोड़ा मॉर्निंग का टाइम था तो हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे। तो ये है यहाँ का टी स्टॉल छोटू सा, जहाँ हम सब ने चाय पिए। चाय बहुत ही अच्छी थी। फिर हम यहाँ पे वेट कर रहे थे हमारे ऑटो का, जो वो लोग रिवर क्रॉस करके आएंगे, इसलिए तो वी वर हैविंग सम चाय। सो वी आर हेडिंग टू आवर ऑटो, क्योंकि हमारी ऑटो आ चुकी थी। हमने सबने चाय पिए, देन वी वर हेडिंग टू आवर ऑटो। तो वो जो काउस थे वो लोग भी उस साइड जा रहे थे, तो इसलिए उनको बांध के रखा है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे सिराज उद दौला की बॉडी थी, डेड बॉडी, जहाँ उनको दफनाया गया था। यहाँ टोटल 37 मतलब डेड बॉडी को दफनाया था वहाँ पे मतलब। तो यहाँ पे हमने एक गाइड प्रीफर किया था, क्योंकि यहाँ पे 37 लोग थे, तो हमें थोड़ा डाउट था कि कौन कौन है। तो वो गाइड हमें समझा रहे थे। तो बेसिकली ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, इसको आप देख सकते हो। तो यहाँ वो गाइड ने हमें अच्छे से समझाया कि कहाँ क्या है। यहाँ तो मैं जा ही नहीं रहती अंदर, क्योंकि मेरी फट रही थी, सॉरी गाइस, फट नहीं रही थी। तो बेसिकली बहुत सही प्लेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 37 प्लस ही आई गेस है, सबकी डेड बॉडीज यहाँ पे दफनाए गए थे यहाँ पे। और ये गाइड हमें समझा रहे थे सबके बारे में, कौन कहाँ है करके। सो या तो गाइस वो जो फ्लावर वाला टॉम्ब है वो था सिराजुद्दौला का और उनके वाइफ का, और ये है उनके दादाजी का, जिनका ये जगह है। गाइस दिस इज वाइट मस्जिद, मतलब बेसिकली इनको खुशबाग बोलते हैं, बट ये वाइट मस्जिद है। यहाँ राजा टहलने आते थे इवनिंग में, और जब उनको घर जाने के लिए लेट हो जाता था तो वो यहाँ नमाज पढ़ते थे। वो सामने का जो स्क्वायर है वहाँ गुलाब जल रखा करते थे, तो वहाँ ही वही हाथ पैर धोके वो नमाज पढ़ते थे इस मस्जिद में। तो गाइस ये है दाहापाड़ा धाम। यहाँ हमें गॉड तो दिखे नहीं, बट एक्चुअली धाम है, तो हम इसमें एंट्री कर रहे थे। तो धाम वॉज सो ब्यूटीफुल, वाइट कलर का था। उसकी एंट्रेंस साइड के फ्लावर्स के जो प्लेस थे बहुत ब्यूटीफुल थे। तो इस धाम के साइड में एक रिवर भी है जहाँ हम गए थे, वो भी आपको दिखेगा। तो इसका ये व्यू है धाम का, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं है वो देख सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था, पोस्ट किया था। सो या ये हमारी फैमिली बिजी है, तो हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया। बहुत ही पीसफुल प्लेस है गाइस। Yeah.
सो धाम के साइड में ये है रिवर जहाँ मच्छियाँ हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पीसफुल प्लेस है गाइस, जैसे फ्लावर्स जैसे पेड़ वैसे ही ब्यूटीफुल रिवर जिसमें फिश थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। इफ़ यू गाइस वांट टू गो यू गाइस कैन गो, कोलकाता में ही है, बहुत ब्यूटीफुल है। सो गाइज दिस इज कृतेश्वरी मंदिर। तो यहाँ भगवान को लेके तीन जातों को लेके बनाया, हिंदू मुस्लिम एंड बौद्ध। ये है 900 साल पुराना मंदिर जो यहाँ भगवान मिले थे। सो जिसमें हम गए थे इसके बाजू वाले में, वो 300 साल पुराना था। ये है 300 साल पुराना, यहाँ तीन जातों को लेके बनाया गया है मंदिर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ऊपर जो एंटीना जैसे दिख रहा है वो के जो पॉइंट है वो तीन जातों को लेके बनाया गया है, हिंदू मुस्लिम एंड बौद्ध। तो हमने इतना घूमा, आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत मजा आया, मुझे तो नींद आ रही है। आपको उसके अलावा क्या आता है? चल रहे निकल। सो बैक टू भगीरथी रिवर, हम वापस उस पार जा रहे थे क्रॉस करके, क्योंकि हमारा होटल उस साइड था और हमें जाना था घर। तो वी वर क्रॉसिंग द रिवर, उसके बाद हम क्रॉस करके अपने होटल गए, फिर हमने। सो गाइज ये है मुर्शिदाबाद मार्केट हजार दुआरी के पीछे, जहाँ मैं भाई और मेरी बहन हम गए थे घूमने, ऐसे जस्ट देखने की क्या मिलता है, कुछ नहीं यहाँ। तो हमने कुछ शॉपिंग वॉपिंग किया नहीं, जस्ट देखे, क्योंकि शॉपिंग करने से कुछ था नहीं वहाँ पे। सो बेसिकली द मार्केट वॉज नाइस, अच्छा था, सारी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें मिल रही थी। सो या सो गाइज दिस इज़ द मुर्शिदाबाद स्टेशन, हम लोग वापस घर के लिए रिटर्न आ रहे थे। सो दैट्स इट, ये है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस गाइज। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच, होपफुली यू गाइज गोना लव दिस वीडियो। सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच, डोंट फैलाओ हेट यार, बी लव्ड, थैंक यू।